कृषि प्रधान देश में किसानों का बुरा हाल है। सरकार द्वारा मक्का खरीद की सरकारी व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण टेरागाज प्रखंड में किसान औने पौने दाम पर मक्के बेचने को विवश है। सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 1800 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रखंड के किसान अपने पैदावार को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? बेनिफिट नहीं, दाम का दाम गुड़लियों का ये हो जाता है। तो मेरे आप लोग बेचने कहाँ लेके जाते हैं? बेचने जाते हैं गुलाब बाग ले जाते हैं, दलकोला कान की ले जाते हैं, यहाँ दूर ले जाते हैं, भरे में पी जाता है, सब चीज खा जाता है भरा में। यहाँ मंडी नहीं है सर? जीरो में जीरो रह जाते हैं, मंडी नहीं है यहाँ पर। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार आई है यहाँ मंडी लेकर के, हम लोग का माल खरीदिए उचित दाम में जी। क्या बोलेंगे? कौन पंचायत है ये? हम लोग का मटियारी पंचायत है ये। ठीक है, नाम क्या है आपका? नाम कैलाश हरिजन। चलिए, फसलों की उचित दाम नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान है। वही किसान मायूस है। किसानों ने बताया कि मक्के की फसल बेचने के लिए हम लोग को दालकोला बंगाल जाना पड़ता है, यहाँ पर मंडी नहीं रहने की वजह से उचित दाम नहीं मिलता है। वही किसानों ने बताया कि सरकार विभाग क्षेत्र में मंडी खोला जाए ताकि किसानों के सामान यहाँ पर बिक जाए। वही मक्के की फसल को लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। उचित दाम नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान है। किसानों ने बताया कि इतना मेहनत के बावजूद भी सही उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान मायूस है। ठाकुरगंज विधानसभा से पब्लिक वाइफ के लिए अबू फान की रिपोर्ट।